हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं लता टेरेस गार्डन से, और आज मैं आपको अपने टेरेस में खिले हुए ये बेहद ही खूबसूरत से फ्लावर दिखला रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो इस प्यारे से फ्लावर का नाम है मैक्सिकन पिटूनिया, और आज मैं इसी की जानकारियाँ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये काफ़ी प्यारे से लगते हैं, और इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। इसे आप बहुत ही कम केयर में आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ढेर सारे फ्लावर पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके मेरे पास कौन कौन से कलर है। यहाँ पे इसके तीन कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये तीनों कलर काफ़ी प्यारे से है। ये देखिए पिंक कलर कितना खूबसूरत सा लग रहा है, और इसके साथ है यहाँ पे वाइट कलर भी काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, और एक और कलर है मेरे पास और वो है पर्पल कलर। और ये तीनों कलर काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं, और इसमें देखिए एक साथ कितने सारे फ्लावर आते हैं, और ये फ्लावर गुच्छों में आते हैं और काफ़ी खूबसूरत सा लुक देते हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी सुंदर सी लगती है, नुकीली नुकीली पत्तियां हैं, और उनके बीच में ये गुच्छों में फूल इस तरह से काफ़ी प्यारा सा लुक हमारे गार्डन को देता है। तो इस प्लांट को आप भी ज़रूर से लगा सकते हैं, और इस प्लांट को एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो इसके ढेर सारे पौधे आपके गार्डन में उगते रहते हैं। ये प्लांट में सीड बनते हैं, और इसके सीड से बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं, और इसमें सालों भर नए नए प्लांट निकलते रहते हैं गार्डन में। तो इस प्लांट को आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, कोई विशेष मिट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का गमला हो, सीमेंट का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो। और गमले का साइज़ भी बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 5 इंच के पॉट में भी आसानी से ग्रोथ कर जाता है और फ्लावरिंग देते रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर इसमें फ्लावर आने कभी कभी बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या फिर बनाना की फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो इसमें कोई भी नेचुरल फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, किचन वेस्ट मटेरियल से बना हुआ भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, मैं इसी का प्रयोग करती हूँ। तो देखिए इसमें अच्छे से फ्लावर आने लगते हैं। और अब रही सनलाइट की बात, तो इसे आप सनलाइट में, फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं या फिर शेड वाले एरिया में भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो आप फ्लावर देख रहे हैं वो पूरी तरह से फुल सनलाइट में रखे हुए हैं, और इसमें फ्लावरिंग आ रही है। और भी इसका प्लांट मेरे पास यहाँ पे देखिए, ये प्लांट सन लाइट से हटकर यहाँ पे शेड में रखा हुआ है, और इसमें देखिए छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, और ये आसानी से इसमें लग चुका है, और देखिए इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो इतने छोटे से भी पॉट में ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग देने लगता है, और शेड में भी रखने पे भी ये फ्लावर देता है। तो इस तरह से हम इसे दोनों जगह पे रख सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा हो, या तो फुल सनलाइट में रखिए या फिर शेड में, दोनों जगह पे ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है। तो अपनी सुविधा अनुसार आप इसका सेलेक्शन कर सकते हैं, और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक टाइम भी पानी देने से इसमें काम चल जाता है, और इसमें सालों भर फ्लावर आते रहते हैं। लेकिन जब सर्दियां बहुत अधिक पड़ने लगती है तो इसमें फ्लावरिंग आने बंद हो जाते हैं, और फिर सर्दियां जैसे ही ख़त्म होती है तो फिर से ये प्लांट फ्लावरिंग देने लगता है। और ये प्लांट को अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, और इसके ढेर सारे पौधे तैयार होते रहते हैं, जिससे आप इसके बहुत सारे प्लांट तैयार करके लगा सकते हैं या फिर बांट भी सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लगाइए, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और जो फ्रेंड नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।